हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा न्यू अनदर व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट करना नीचे कि हालचाल बताना आपने। तो अभी हम जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं वो तो मुझे भी नहीं मालूम। मेरे दोस्त ने कहा था कि ये एक बढ़िया सी जगह है, वहाँ पे व्लॉग बनाना जैसा है। तो मैं कहना चलिए चलते हैं अभी नेकी और कुछ कुछ, आपको पता ही है व्लॉग बनाने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, सुबह शाम रात वो कुछ देखते नहीं है अभी हम। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तो हुए दोपहर के 2 बज चुके हैं, चलते हैं। गर्मी भी बहुत है, सकते हो धूप बहुत है। चलिए चलते हैं गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी हम निकल चुके हैं तो जा रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम ही होगा पवन बहुत है, इस वजह से कम्प्लीट मेरा आवाज़ नहीं आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर जाके मिलते हैं अभी। तो चलिए चलते हैं गाइस। जो आप सामने देख रहे हो वो जलाराम मंदिर है और यहाँ से मेन बाजार जाते हैं। तो अभी हम हाईवे टू हाईवे जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्या है लोकेशन तो मालूम नहीं है, और नीचे करना कमेंट #YouTube ब्लॉग और अपने हाल चाल भी बताना। और कोरोना चल रहा है, घर पर रहिए और मास्क पहने रखिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जैसे देख सकते हो पुल खत्म हो चुका है, बस इतने तक ही पुल था, बड़ा तो है पर अभी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो अभी हम पहुँचने वाले हैं हमारे लोकेशन पर। क्या है क्या नहीं वो तो हमको भी नहीं मालूम, जाके पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, अभी हम जाने वाले हमारे लोकेशन पर पहुँचने वाले, क्योंकि हमारा जो लोकेशन है वो एक गाँव से जाता है और हमारा घर से ये गाँव थोड़ा नज़दीकी है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, क्या क्या है सब देखने को मिलेगा आपको। तो गाइस इस ब्रिड को कोई नहीं पहचानता, ऐसा कुछ है नहीं। आपको लग रहा होगा कि ये रॉटवीलर है, तो भाई ये रॉटवीलर नहीं है, ये रॉटवीलर के जैसा दिख रहा है, ये है डॉबरमैन का बच्चा। जैसे कि देख सकते हो इतना खूंखार लग रहा है, छोटा भी है तो भी, पर ये वैसा कुत्ता नहीं है। और यहाँ पे जो हम आए हैं, यहाँ पे 2 बच्चे हैं डॉबरमैन के। तो आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा भी बच्चा है, और आगे जैसे कि देख सकते हो इस बाइक के पास कबूतर है, हॉर्स है और गाय भी है, सब कुछ है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये बहुत सारे कबूतर, हम इनमें से एक कबूतर निकालेंगे और देखने वाले हैं कैसे कैसे दिखते हैं सभी कबूतर। यहाँ पे मिनिमम 30 से 20 कबूतर तो यहाँ पे हो गए, क्योंकि चार पे भी इन्होंने रखा हुआ है और सभी कबूतर अलग अलग ही है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमारा डॉबरमैन क्या कर रहा है हम देखते हैं। और ये है उनका डॉग, जैसे कि आप देख सकते हो ये इसका नाम है, क्या नाम है वो तो मुझे मालूम नहीं है। आप जैसे कि आप देख सकते हो इतना ज़्यादा भौंक रहे थे ना, इसलिए मैंने है ना आवाज़ ही बंद कर दिया है, क्योंकि आप सबको मालूम ही है बहुत खूंखार होते कुत्ते भी, किसी एक को भी छोड़ा ना हमने तो हमारी तो खैर नहीं, हम बस बच्चा चबा जाएंगे। अभी हमने कबूतर के घर से एक कबूतर ला दिया है और इसको देखने वाले कैसा कबूतर है। यहाँ पे बहुत सारे ब्रीड्स है कबूतर की, और हमने कबूतर छोड़ दिया है, वो अपने घर के ऊपर ही बैठ चुका है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कबूतर भी है, हम आगे सबको दिखाने वाले हैं आपको अभी। ये जैसे कि देख सकते हो ये दोनों भाई बहन है, ये है लैब्राडोर, तो यहाँ पे एक ही भाई है और बाकी सब बहन है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आप कितना मस्ती खो रहे ये। तो गाइस सभी लोग कहते रहते हैं कि डॉबरमैन बहुत खूंखार होता है, डॉबरमैन रॉटवीलर वो सब कोई खूंखार नहीं होता, वो अपने पे जाता है। हम छोटा बच्चा लाते हैं तो हमको उसकी परवरिश कैसे करनी चाहिए, हमें उसको कैसे संभालना चाहिए, वो हमारे पे डिपेंड करता है। क्योंकि आजकल के लोग सिर्फ शौक के लिए कुत्ते ले जाते हैं और सिर्फ अपने घर पे ही रखते हैं और उसको कभी बाहर नहीं घुमाते, उसको खाना देते नहीं टाइम सर, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती रहती है, उसको नहलाते नहीं है, इस वजह से वो बीमार हो जाता है। मैंने कहा तो इससे वजह तो आप कुत्ते लाओ ही मत, क्योंकि उसकी कितनी केयर करनी पड़ती है, उसको कुछ हो जाए तो आप सभी लोगों को पाप लगेगा। और कुत्ता लाना हो तो उसे ठीक से संभालो, नहीं तो कुत्ते मत लाओ, क्योंकि वो अपने घर पे सही होते हैं। और आप कुत्ते लाते हो और उसको मारते हो पीटते हो और वो कुछ भी कर जाए तो उसको मारते हो, आप कहीं भी बाहर नहीं ले जाते,
वो घर पे अंदर ही रहते रहते वो बुखार हो जाता है, और कोई भी हमारे घर पे मेहमान पे कुछ भी कोई लोग आए तब भी वो भौंकने लगता है और सबको काटने लगता है। इस वजह से डॉग लाओ तो घुमाओ फिराओ, उसके साथ खेलो, उसको फ्रेश रखो, क्योंकि हम घर पे रहते हैं तो हम भी बोर हो जाते हैं, वैसे वो भी बोर हो जाता है क्योंकि हम उसके साथ खेलते नहीं है, और उसका दिमाग फिर हमारे जैसा गर्म हो जाता है, फिर किसी को काटने लगता है। इसी वजह से आप कुत्ते लाओ तो अपने दम पे लाओ, नहीं तो मत लाओ, क्योंकि आप रख नहीं सकते तो बिल्कुल भी मत लाओ, मेरा ऐसा ही कहना है। तो थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए, और प्लीज़ इसका पालन करना। तो आगे बढ़ते हैं हमारे ब्लॉग में, ये कहना ज़रूरी था क्योंकि आजकल के लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये ब्लॉग पर्सनली बनाना पड़ा। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज अभी हमने कबूतर घर से कबूतर निकाले हैं, तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, हमने व्हाइट कलर का कबूतर लाके उड़ाया था, और यहाँ पे बहुत सारे और भी कबूतर है, तो मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ऊपर भी उनको घर बना के दिया है, माले बना के दिया है, बहुत सारे माले हैं इनके लिए, और कबूतर भी बहुत सारे, जैसे कि देख सकते हो घर के ऊपर कितने सारे कबूतर इकट्ठा हुए है, और यहाँ पे गाय और सब कुछ है, चलते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कबूतर तो सब उड़ गए। ये है डोबरमैन की मम्मी, और ये है डोबरमैन का बच्चा, तो जैसे कि आप देख सकते हो वो खाना खा रहा है, इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो उसको खाना खाने देते हैं, कोई नज़र मत निकालना, तो उसको नज़र नहीं लगे चाहिए, सब तो कर देना। तो चलिए चलते आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे कि देख सकते हो बहुत ज़्यादा डोबरमैन बोला है, ये वाला ये इतना खूंखार नहीं है, वो जो अंदर तीन है वो बहुत खूंखार है, उससे हमें दूर रहना चाहिए, ये तो खूंखार नहीं है। इसके दो बच्चे हैं, एक तो हमने आपको दिखाया, आगे सब कुछ ये बहुत मस्ती खोर है डोबरमैन। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है सब कुछ देखने को मिलेगा। तो हेलो व्हाट्सअप गाइज, अभी हम चलते हैं हमारे घर, क्योंकि बहुत लेट हो गया है और यहाँ से थोड़ा दूर है ये जगह, तो चलते हैं। अभी हमको रॉन्ग साइड में जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नया नया पुल बना है, तो हम जा नहीं सकते। तो चलिए गाइस चलते हैं, और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कबूतर खाना खा रहे हैं, तो चलिए। तो गाइस जैसे कि हम बाहर निकले हैं और हमको एक लेब्राडोर मिल गया, ये फीमेल लेब्राडोर है, तो जैसे कि देख सकते हो ये इतनी उत्सुक है हमारे साथ खेलने के लिए, तो इसको ये जो भाई रखते हैं वो अभी छोड़ रहे हैं यहाँ से उसकी सांकड़, तो क्योंकि ये भाग जाता है इसलिए वो रखते हैं, और बाहर तो घुमाने ले ही जाते हैं, इसको खाना बना खिलाते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो ये बाहर आने के लिए कितना तड़प रही है हमारे साथ खेलने के लिए, जैसे कि देख सकते हो ये भाई उसकी चेन खोले वो खोलने भी नहीं दे रही, तो जैसे कि देख सकते हो अभी ये खेलेगी मेरे दोस्त के साथ, क्योंकि मैं व्लॉग बना रहा था और मेरा भाई उसको मेरा दोस्त उस कुत्ते से खेल रहा था। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो मैं तो व्लॉग बना रहा था, क्योंकि मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगा तो क्या करूँगे, तो मैं उन कुत्ते को ऐसा खेलने जाता तो ये सभी ब्लॉग नहीं बना सकते परफेक्ट, क्योंकि इनको फ़ोन इतना ज़्यादा पकड़ना नहीं आता है। अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ सबको, ट्रेन हो जाने के बाद सबको ब्लॉग शूट करने के लिए दूंगा, और मैं सब कुछ आऊँगा कैमरे में और डिस्प्ले में भी मैं आऊँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं आता हूँ ब्लॉग में, हम सबको जैसे कि मालूम है बहुत ब्लॉग में आता हूँ, ऐसा नहीं पर थोड़ा कम आता हूँ, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो हम डेली ब्लॉग सब डालेंगे तभी आपका भाई पूरे ब्लॉग में होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं यहाँ से, अब हमको जाना है घर, चलिए चलते हैं।
तो गाइज अभी हम हमारे लोकेशन से निकल चुके हैं, अभी हम जाएंगे घर क्योंकि हमको बाजार भी काम है। तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप एक दो मिनट ही वीडियो देखते हो स्किप कर देते हो, ऐसा मत करो। वीडियो को लाइक करो और कमेंट करना मत भूलिएगा, और वीडियो पूरा देखिए स्किप मत कीजिए। क्या करो यार, अपने भाई को इतना सपोर्ट नहीं कर सकते, आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा और पूरे का पूरा वीडियो देखिए। और क्या हमें ब्लॉग में ऐड करना चाहिए, क्या आपको कंटेंट चाहिए, क्या आपको चाहिए, हम क्या इनपुट करें हमारे ब्लॉग में तो आपको ब्लॉग हमारा अच्छा लगे, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। तो गाइज आपने जैसे आगे देखा कि बहुत सारी मुर्गियाँ लेके जा रहे थे भाई, वो कितनी सारी मुर्गियाँ थी, पूरा ट्रक भर के मुर्गियाँ थी। तो अभी हम जा रहे हैं रॉन्ग साइड से घर, देख सकते हो ये बन रहा है नया मंदिर, हम इसका भी व्लॉग बनाएंगे जल्दी। तो अभी चलते चलते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो आज के वाले व्लॉग में बस इतना है, गुड बाय।